नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र राज। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वॉइस इंडिया के साथ। तो चलिए बुराई करते हैं। अभी मजा आएगा ना। से आप गंगा जी की पूजन करके और एक ही संकल्प लेके आया हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। मेरे साथ करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। और दोस्तों, मामा जी गंगा में स्नान करके आए हैं, अब घोंसड़ा ही घोंसड़ा और चुनावी रेवड़ी बांटेंगे, यही संकल्प करके आए हैं। चुनाव आया तो ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। एक ही संकल्प, एक ही काम करूंगा, तुम मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा और महंगाई आसमान पर पहुँचा दूंगा। मैं विपक्ष मुक्त भारत दूंगा, किसानों की माँ याद दिला दूंगा, यही किया हूँ गंगा माँ से वादा, बातों से पेट भर दूंगा। महंगाई से जनता परेशान है, साण से किसान परेशान है, उसके लिए नहीं किया कोई इंतजाम है, बस सिर्फ वादे किए जा रहे हैं जिनका नहीं कोई काम है। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, ये लोग यह सब भूल जाएंगे, ऐसे लोग उधार लेकर जैसे भूल जाते हैं पैसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और विकास की गंगा बह रही है मामा जी के कार्यकाल में, GST गंगा पर लगा कर करेंगे पूरा वादा साहब जी कार्यकाल में। यही है नेता लोगों के पास हर चीज का फंडा, हर चीज में इनको नजर आ जाता है धंधा, क्योंकि इसी से चलती है इनकी रोजी रोटी, नहीं किसी चौराहे पर दुकान खोलते, बेचते गजरा और चोटी। चुनाव आते ही ये लोग आने लगते है नजर, बाकी दिन मिलने जाओगे तो रहेंगे आउट ऑफ शहर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई है या वो इसराइल में गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आई है। पाकिस्तान को जिताने वाले क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की ये जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इजराइल अपने शत्रुओं से युद्ध खेलता है और हम लोग घर बुलाकर क्रिकेट खेलते हैं। और दोस्तों, ये मीडिया वाले इतना परेशान हैं, इनको फोन लगाना चाहिए जो विश्व में महान है, वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो क्रिकेट क्या चीज है, क्रिकेट भी रुकवा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जितना इजराइल और फिलिस्तीन नहीं लड़ रहे होंगे, उससे ज्यादा भारतीय न्यूज चैनल वाले स्टूडियो में लड़ रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न्यूज पीकर गांजा दिखाना, इसी को कहते हैं, क्योंकि अपने मणिपुर से लगता है इनको कुछ लेना देना नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल से इनका रिश्ता लगता है सही है। भारत में बेरोजगारी महंगाई आसमान पर है, लेकिन लगता है यह सब इनके लिए वहीं से आ रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। गोदी मीडिया वाले भी क्या खूब सर्कस दिखाते हैं, न्यूज कम मनोरंजन ज्यादा दिखाते हैं। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, इन लोगों को मनोरंजन करना भी जरूरी है, क्योंकि पुराने जमाने के नौटंकी कलाकार हो रहे हैं खत्म, इनको देखकर लगता है नौटंकी फिर से ले रही है जन्म। यही है मीडिया वालों का रोजगार, नहीं बेचेंगे ठेले पर टिक्की और चाट, इसी से होगा इनका गुजारा, नहीं सड़क किनारे बेचेंगे गुब्बारा।